अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान हमीद है और मेरी कंपनी का नाम एचएफ टेक्नोलॉजीज़ है और हमारे पास तीन से चार मेन काम हैं जो हम लोग करते हैं मार्केट के अंदर. सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करते हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों के लिए हम लोग कर रहे हैं. इसके अंदर डॉक्यूमेंट जो फिज़िकल डॉक्यूमेंट होता है वो स्कैन कर दिया जाता है और एक रिपोजिटरी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है. इससे आसानी ये होती है कि कंपनी में जो भी लोग होते हैं डिपेंडिंग उनका रोल क्या है वो उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी कीज़ को दबा के उस डॉक्यूमेंट को अपने सामने ला सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो एक ये मेन काम है हमारा जिसमें हम स्कैनिंग भी करते हैं और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी पूरा देते हैं. और इसके बाद जो है हम लोग फ्लीट ट्रैकिंग करके देते हैं जिसके अंदर हम ट्रैकर नहीं लगाते, हम सिर्फ ट्रैकर से डेटा लेते हैं और उसको कंपनीज को दिखाते हैं कि गाड़ियाँ उनकी किधर हैं और कितनी स्पीड पे हैं, कितनी माइलेज है उनकी और किस तरह से वो चल रही हैं. उसके बाद तीसरा काम हमारा फ्यूल मैनेजमेंट का है. हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि पेट्रोल पंप्स पे लगाई जाती है और इसका काम ये होता है कि वो तमाम इन्वेंट्री, उसकी सेल्स, उसकी जीएल जनरल लेजर, उसके अकाउंटिंग सारी मैनेज करती है. ये भी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है. और अब हम लोगों ने एक नई सॉफ्टवेयर लॉन्च करी है जो कि थोड़ी सी मुनफरिद है मार्केट के अंदर, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक वार्डरोब है. इसका नाम आईना है. और इस सॉफ्टवेयर का कमाल ये है कि जो लोग रिटेल आउटलेट्स पे जाते हैं जैसे खाड़ी है, मुख्तलिफ सफ़ायर है वगैरह वगैरह, इंशाल्लाह ताला वहाँ पे ये ऐप आपको मिलेगी और इस ऐप के ज़रिए जो ख़वातीन वहाँ पे आ रही हैं वो अपने रिश्तेदारों के साथ या कोई भी उनके साथ है उसको लेके ये ऐप उनका फेस जो है स्कैन कर लेगी और उनको अपने आप को मुख्तलिफ कपड़ों पर बेहद वक्त उसी वक्त यह है कि देखने की इजाज़त देगी कि वो किस कपड़ों में कैसी लग रही हैं. इससे फ़ायदा ये होगा इंशाल्लाह कि एक तो उनको बार बार जाके कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात. दूसरी अहम बात यह है कि जो कंपनी जो रिटेल आउटलेटर हैं उनके भी कपड़े जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल होंगे, यानी उनका डेस्क स्टॉक कम हो जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये दोनों के विन दोनों के लिए हमने सोच के बनाई है एप्लीकेशन. और ये एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, ये टैब पर चलती है और बड़ी स्क्रीन पर भी विजिबिलिटी आ जाती है इसकी. तो ये हमारे चार काम हैं जो हम लोग कर रहे हैं मार्केट में. हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें ताकि जो कंपनियां पाकिस्तान में हैं उनको बाहर से सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और वो लोकल सॉफ्टवेयर खरीदें ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है, लोकल इंडस्ट्री जो है वो बेहतर हो सके और लड़कों को जॉब मिल सकें और अच्छा काम कर सकें वो लोग. तो थ्रू आउट हमारी कोशिश यही रही है कि हम इस तरह का काम कर सकें जो कि इक्विवेलेंट टू एनी एमएनसी जो बाहर ममालिक में हो उनसे इक्विवेलेंट हो. ये है सर, मैं नाम भूल गया सर, उस्मान नाम जी मेरा. उस्मान सर, थोड़ा सा ये बताइए कि आपके जो प्रोडक्ट है ये कौन कौन से सेक्टर में यूज़ हो रही हैं और जो है इनका फंक्शन तो आपने बताया, तो किस सेक्टर? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट तो देखें हर उस कंपनी को ज़रूरत है जो दिन के 2000 पेज को प्रिंट कर रही हो. ठीक है जी, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफिस में या तो आप डॉक्यूमेंट भर लें या बंदे भर लें. बंदे भरेंगे तो बिज़नेस बढ़ेगा, डॉक्यूमेंट भरेंगे तो बिज़नेस नहीं बढ़ेगा. तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि इंडस्ट्री जो है वो हमारी कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है जो कि 2000 पेजेस दिन के जनरेट कर रही हो, तो वो हमारी इंडस्ट्री है. फ्लीट मैनेजमेंट के लिए फ्लीट मैनेजमेंट के लिए कम से कम क्लाइंट ऐसा हो जिसके पास कम से कम 50 गाड़ियां या 50 प्लस गाड़ियां हो तो वो हमारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ले तो उसको फ़ायदा है. और इसी तरीके से जो ये आईना है, आईना तो हर वो रिटेल आउटलेट को ज़रूरत होगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो कि मौजूद होगी. अब डिपेंडिंग कि उनकी कितनी आउटलेट्स हैं तो उस हिसाब से वो लाइसेंसेस को प्रोक्योर कर सकते हैं. और रही बात के फ्यूल मैनेजमेंट, तो अगेन वही बात है कि जितने पंप होंगे उतने सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे. ये अच्छा सर, सॉफ्टवेयर के हवाले से कुछ लोग कहना है कि जी गवर्नमेंट की हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो हम सॉफ्टवेयर को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर हमारा जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है कि हमारा ज़र मुबादला भी आए, इस काबिल है हमारा सॉफ्टवेयर? नहीं नहीं है बिल्कुल, और काम भी बहुत हो रहा है माशाल्लाह से. बट मेरे ख्याल से थोड़ी पेपाल पे हालांकि ऐसा उमर साहब लगे हुए थे काफ़ी, बट आई डोंट थिंक सो वो हो पाया. अगर पेपाल जैसे पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाए तो उससे इंशाल्लाह हम लोग कर सकते हैं काम. मेरा ये अपना व्यू है. बाकी हो रहा है काम, लोग कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं चैनल से पैसा मंगा ही रहे हैं. बट ये अगर पेपाल पे आ जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह. अच्छा सर, जो आपकी प्रोडक्ट है जो आप लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोडक्ट दे रहे हैं,
इसमें हर फील्ड में कंपटीटर भी होते हैं, तो आप बिल्कुल कंपटीटर होंगे, बिल्कुल होंगे। उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन का उसका फायदा एंड यूजर को होता है, बिल्कुल होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइस भी कम होती है, बिल्कुल ऐसे। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आपके कंपटीटर हैं उसमें क्या आपके कंपटीटर? सर हमारे थोड़े कम हैं, क्योंकि थोड़ा सा जिस तरह आपने थोड़ा गौर किया होगा ITCN के अंदर ही कि काफ़ी लोग जो है वो मार्केट अवेलेबल सॉल्यूशंस ही बेच रहे हैं, हम लोग थोड़े से फर्क सॉल्यूशंस हैं हमारे। जैसे आईना में इस वक्त हमारा कंपटीटर जो है वो इतना महंगा है कि तकरीबन 5 लाख का तो खाली उसका हार्डवेयर है, अच्छा ठीक है जी, और फिर उसका जो सॉफ्टवेयर का डेवलपर है जो जो कपड़ों को उसमें स्विच करता है वो भी 1 लाख रुपये से डेवलपर स्टार्ट होता है। तो उस चीज़ को हम लोगों ने चेंज इस तरह किया कि हमारी हार्डवेयर 40,000 रुपये की है और जो डेवलपर या डेवलपर की ज़रूरत ही नहीं है, फोटोशॉपर है जो, तो वो अराउंड को 20-25,000 रुपये वाला जो है वो हमारे लिए अच्छा मुफीद इस्तेमाल हो सकता है। और रही बात डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की, यस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, मगर हमारे पास कुछ अच्छी फीचर्स हैं जो कि हमें अच्छा एक एज देती हैं मुख्तलिफ कंपनीज में। फ्यूल मैनेजमेंट में इस वक्त कम है लोग, एक आध कंपनी या दो कंपनियाँ ही हैं जो कि पंजाब साइड पर हैं माशाल्लाह और वो काम कर रहे हैं, मगर वो डेस्कटॉप सॉल्यूशन है, हम लोग वेब बेस्ड दे रहे हैं, तो ये एक फ़र्क है। फिर फ्लीट मैनेजमेंट थोड़ा फ़र्क है, फ्लीट मैनेजमेंट में हम ट्रैकर नहीं लगाते, ट्रैकर थर्ड पार्टी होता है, तो ये काम अभी थोड़ा कम है लोग जो कर रहे हैं। ये सर, अच्छा थोड़ा सा अपने हवाले से बताएंगे, आपके इस कंपनी से कब से एसोसिएट हैं? मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ और मेरा बैक एक्सपीरियंस भी यही है सॉफ्टवेयर हाउसेज का। इसमें क्या करें जी? सॉरी, आप इसमें मैनेजर हैं? मैं यहाँ पे सीईओ हूँ जी, सीईओ, मैं हेड करता हूँ कंपनी को। अच्छा, तो अच्छा सर एग्जीबिशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि जो ऑर्गेनाइजर हैं वो उन्होंने सही डेलीगेट नहीं लेकर आए, जनरल पब्लिक ज़्यादा है, टारगेटेड कस्टमर नहीं। मेरे ख्याल से एक तो दिन थोड़ा गलत है, थोड़ा सा ये वीकेंड पे होता, क्योंकि शोर शराबा बहुत होता है, अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जी हाँ जी, वो यहाँ से जो है फेटअप होकर बोलते हैं यार फिर बाद में ऑफिस में बात करें। सही कह रहे हैं आप, तो दोनों ही चीज़ें जी, थोड़ा सा कंपनीज को भी ख्याल करें कि अगर एग्जीबिशन लगा है तो सब आए, वैसे आए माशाल्लाह लोग हमारे पास, तो मतलब हमें तो काफ़ी मिले हैं। जी जी हाँ जी जी हाँ, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट मेरे ख्याल से कम है, टीवी पे अगर हो एडवर्टाइजमेंट हो, बिल बोर्ड हो, हाँ तो वो हो तो उससे थोड़ी सी मेरे ख्याल से बेहतर आवाम आ सके जो कि वैल्यूबल हो, जो चीज़ खरीदने वाली आवाम हो वो आ सके। बकिया ये है कि अगर थोड़ा सा ये इसमें हफ्ता कवर हो जाता है एक दिन तो वो बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा, कंपनी आपकी किस नाम से है? एचएफ टेक्नोलॉजीज के नाम से। एचएफ टेक्नोलॉजीज से आप उसमें एज एसईओ हैं? जी। और उस्मान साहब जो है? उस्मान साहब हेड कर रहे हैं, वो चेयरमैन हैं। अच्छा सर, कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे? बस हमें मौका दीजिए, पाकिस्तानी कंपनीज को मौका दीजिए, रिक्वायरमेंट हो, कोई कंप्लेंट हो, कोई सजेशन हो, टैक्सेस थोड़े कम करें, टैक्सेस आजकल मार्केट बहुत डिफरेंट हो गई है, 30-32 मेरे ख्याल में टैक्सेस हैं आपको। जी 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 जी, यहाँ अच्छी खासी बन जाती है, तो वो थोड़ा सा उसका थोड़ा ख्याल करें। 7% पे लेकर आए? जी जी बिल्कुल कम लाएं, ताकि ये है कि ये ग्रूम हो सके ये इंडस्ट्री और अच्छे से अच्छा काम कर सके और पाकिस्तान में इंशाल्लाह फ़ायदा दे सके। सर पिक्चर जी, vision of the future I saw in a